नोएडा देश का ऐसा पहला शहर बन गया जहां सातों दिन 24 घंटे वैक्सीनेशन होगा। नोएडा के एक अस्पताल ने इसकी शुरुआत की है। संवाददाता मनीष चौरसिया की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। नोएडा के नाम आज से बड़ी उपलब्धि। देश में पहली बार नोएडा में ही ये शुरू होने जा रहा है कि अब 24/7 लोगों को वैक्सीनेशन मिल पाएगी, मतलब सातों दिन 24 घंटे लोगों को वैक्सीन मिल पाएगी। इसमें जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ऐसे ही अब ये कार्यक्रम दिन रात चलेगा। ड्राइव थ्रू के जरिए लोग यहाँ आएंगे, अपनी कार में बैठे रहेंगे और उन्हें यहाँ से वैक्सीनेशन मिल सकता है 24 घंटे सातों दिन। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये नोएडा की है, सेक्टर 137 है ये। यहाँ पर एक प्राइवेट अस्पताल है जिसने प्रशासन की परमिशन के बाद इस काम को शुरू किया है और कहा यही जा रहा है कि अब लोग 24 घंटे सातों दिन वैक्सीनेशन करवा सकेंगे, और ख़ासकर तब जब वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी हो चुका है। डीएम सुहास सलवाई खुद यहां पहुंचे हैं उद्घाटन करने के लिए, और बात यही कही जा रही है कि वो लोग, क्योंकि नोएडा एक औद्योगिक इलाका है और यहां पर लगातार ऐसे लोग भी हैं जो नाइट शिफ्ट करते हैं और जिनके लिए दिन में मुश्किल होता है कि वो यहाँ पर आकर वैक्सीनेशन करवा सके, ऐसे में ये सुविधा उनके लिए है कि वो लोग अब यहाँ पर आ सकते हैं आराम से और गाड़ियों में बैठे बैठे ही वैक्सीनेशन करवा सकते हैं। हॉस्पिटल्स में भी वैक्सीन्स प्राप्त करते हुए वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जोरों शोरों पर शुरू की जा रही है। हमारा लक्ष्य ये है कि जनपद गौतम बुद्ध नगर को अति शीघ्र ही देश का ऐसे जिला बनाए जिसमें हमारे अधिकांश नागरिक, लक्ष्य तो 100% का है परंतु जुलाई माह के अंत तक कम से कम प्रत्येक नागरिक को, अधिकांश परिवारों को कम से कम फर्स्ट डोज हम दे दें। आपको बता दें ये भी कि सबसे बड़ी बात ये भी है कि दिन में, जैसे कि अब लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है, जून का महीना आने वाला है, उस गर्मी से बचने में भी ये जो तरीका है ये कारगर साबित होगा और साथ ही साथ बड़ी संख्या में एक साथ लोगों का वैक्सीनेशन हो पाएगा। कुल मिलाकर नोएडा पूरे देश में ऐसा पहला शहर बन गया है जो कि 24 घंटे सातों दिन यानी कि 24/7 वैक्सीनेशन शुरू कर रहा है। जाहिर तौर पर इससे इस बात को मदद ज़रूर मिलेगी कि शहर के लोग जल्द से जल्द सभी लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हो जाएंगे। के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ स्टेट, नोएडा।